एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की टीम ब्लॉक बिलारी स्थित अहलादपुर करार गांव पहुंची। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान उमाकांत शर्मा हैं। लगभग 3 से 4 हजार की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं इस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न विकास कार्य भी कराए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान विकास कार्य में अपनी भागीदारी पूर्णता निभाते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में सीसी सड़कें, साथ ही हैंडपंप, बिजली के पोल व शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है। वर्तमान समय के प्रधान उमाकांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने गांव में सड़कों का निर्माण करवाया है, जिससे आने जाने में राहगीरों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात अगर शिक्षा की जाए तो यहाँ पर जूनियर व माध्यमिक स्कूलों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए तो नजर आए, लेकिन बच्चों की तादाद उतनी नहीं दिखाई दी। ग्रामीणों ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए बताया कि ग्राम में उच्च शिक्षा के लिए बड़े इंटर कॉलेज भी होने चाहिए, जिसकी अभी तक ग्राम में कोई भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गांव में उच्च शिक्षा के लिए इंटर कॉलेजों का निर्माण कराया जाए, जिससे छात्रों को गांव के बाहर रुकना करना पड़े। मेरा नाम उमाकांत शर्मा, ग्राम प्रधान अहलादपुर करार, न्याय पंचायत सेवड़ारा। अहलादपुर करार के अंदर में हमने विभिन्न रास्ते हमने कुछ सही करा दिए गए। हमारे गाँव के अंदर में एक ग्राम पंचायत के अंदर में जो सभागार होता है वो होना चाहिए बैठक के लिए। उसके साथ जो अस्पताल है उसके अंदर में डॉक्टर बैठने चाहिए। और उसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मजदूर है, वो मजदूरी करता है, उसे 300 रुपये पर डे मिलते हैं, मगर एक ग्राम प्रधान जो कि 24 घंटे गाँव की सेवा में लगा रहता है, उसे मात्र 3,500 रुपये मिलते हैं। सबसे पहले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि एक प्रधान का मानदेय कम से कम नहीं तो 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब एक मजदूर को 9,000 रुपये और 10,000 रुपये मिलते हैं तो जो व्यक्ति 24 घंटे सेवा में लगा हुआ है उसकी कम से कम मानदेय 15,000 रुपये तो होना ही चाहिए। मैं सूर्यचंद शर्मा बोल रहा हूँ, ग्राम अहलादपुर करार से। हमारे गाँव में प्रधान जी ने खंजे रोड वगैरह सब सही करा दिए हैं और लाइटें भी लगवाई हैं और लेटरिन भी बनवाई है। बाकी हमारे काम सही चल रहा है और शमशान घाट का भी काम मतलब रह गया है, वो होना जरूरी है।